أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم So today we are going to talk about neck dissections which is it is very important to get done with this we have four major types we have radical then modified radical then extended radical and then we have selective type so if we go from like zyada jo mass dissection hai wahan se jaye to radical radical mein हमने सब कुछ रिमूव कर देना है लिम्फ नोड्स भी रिमूव कर देना है स्टेनोक्लेरम हमारे पास तीन वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने नेक डिसेक्शन में याद रखने हैं वो होते हैं स्पाइनल एसेसरी नर्व इंटरनल जगले वेनस स्टेनोक्लेरम एस्ट्राइड तो अगर हम देखें तो जो रेडिकल होता है उसमें हमने तीनों स्ट्रक्चर्स निकालने हैं और सारे लेवल के लिम्फ नोड निकालने हैं टिल लेवल जो हमारे पास लेवल फाइव तक लेवल सिक्स तक हमारे पास होते हैं ना लेवल वन में कौन से लिम्फ नोड्स आते हैं लेवल वन में हमारे पास सब मेंटल और सब मैंडिबुलर आते हैं लेवल टू में अपर जगुलर फिर थ्री में मिडल और फिर फोर में लोअर जगुलर फाइव में पोस्टीरियर ट्रायंगल के जो स्टेनोक्लेरम मस्टर के पीछे होते हैं लेवल सिक्स में जो हमारे पास इनको हम डेल्फिन नोड्स भी कहते हैं ये आते हैं जो इंटीरियर कंपार्टमेंट में होते हैं जिनमें प्री ट्रेकियल पैरा ट्रेकियल और पैरा एसोफिकल होते हैं तो ये हैं तो अगर हम रेडिकल की बात करें तो रेडिकल में हम ये एक से छः तक सारे ग्रुप्स निकाल दिए इंटरनल जगह वेन निकाल दिए स्पाइनल एसेसरी स्टेनोक्लेरम मस्टर मतलब आपको डाइसेक्शन की क्लासिफिकेशन से पहले लिम्फ नोड्स के लेवल पता होने चाहिए और तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम देखेंगे वो बताना चाहिए जिसमें आ जाता है हमारे पास स्पाइनल एसेसरी नर्व इंटरनल जगुलर वेन और स्टेनोक्लेरम मस्टर ये चीज़ें हमें यहाँ तक समझ आ गई अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं रेडिकल नेक डाइसेक्शन सबसे पहली टाइप वो हमें समझ आ गई कि इसमें हमने सारे लिम्फ नोड्स निकालने हैं और साथ ये लिम्फ नोड निकालने हैं साथ में तीनों स्ट्रक्चर्स भी निकाल देना ऑब्वियसली एक साइड के फिर आ जाती है मॉडिफाइड रेडिकल अच्छा अब जो मॉडिफाइड रेडिकल है इसके नाम से चल रहे हैं हम इसको मॉडिफाई करें मतलब हम किसी ना किसी जो तीन वाइटल स्ट्रक्चर्स थे लिम्फ नोड्स हम सारे निकाल रहे हैं तीन वाइटल स्ट्रक्चर्स में से किसी एक को हम प्रिजर्व करें अगर हम सिर्फ एक को प्रिजर्व करते हैं जो कि स्पाइनल एसेसरी नर्व तो ये है टाइप वन अगर हम दो को प्रिजर्व करते हैं यानी कि साथ में अगर हम वेन को भी प्रिजर्व कर देते हैं इंटरनल जगह वेन को जो तो ये होती है टाइप टू और अगर हम साथ में स्टेनोक्लेरोमास्टॉइड मतलब तीनों को प्रिजर्व कर देते हैं दैट इज़ टाइप थ्री को हम फंक्शनल नेक डाइसेक्शन भी कहते हैं बिकॉज ऑल थ्री स्ट्रक्चर्स आर प्रिजर्व्ड एंड इन ठीक है तो ये सिंपल सी बात उसके बाद हमने रेडिकल भी कर ली मॉडिफाइड रेडिकल भी कर ली अब आती है सिलेक्टिव सिलेक्टिव में हमने इन स्ट्रक्चर्स को तो छेड़ना ही नहीं वी आर गोइंग वेरी सिलेक्टिव सो वी आर गोइंग टू रिमूव सिलेक्टिव लिम्फ नोड्स ओनली या सिलेक्टिव का मतलब है सिलेक्टिंग द लिम्फ नोड ग्रुप सुप्रा ओमोहायोइड करनी है एक्सटेंडेड सुप्रा ओमोहायोइड या सेंट्रल सुप्रा ओमोहायोइड में आ जाते हैं लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री मतलब कि हम कह सकते हैं कि लेवल वन तो सब मेंटल और सब मैंडिबुलर थे लेवल टू अपर जगुलर थे और लेवल थ्री मिडल जगुलर तो मिडल जगुलर तक आ जाते हैं एक्सटेंडेड सुप्रा ओमोहायोइड में वन टू थ्री फोर तक रिमूव करें फोर में हमारे पास आ जाते हैं लोअर जगुलर और फिर सेंट्रल वाली में हम मतलब अब सारे रिमूव करें मतलब सिक्स नहीं मतलब सेंट्रल में हम सिर्फ सिक्स रिमूव करें सिक्स ग्रुप लेवल सिक्स मतलब कि डेल्फियन नोड्स को हम रिमूव करें ठीक है उसके बाद आ जाती है हमारे पास एक्सटेंडेड रेडिकल अच्छा एक्सटेंडेड रेडिकल में हमने बहुत ही हम हद कर दी मतलब मीडियस्ट हमने रेडिकल करने के बाद हमने उसको एक्सटेंड किया मतलब मीडियस्ट साइनम के नोड्स को हमने टारगेट किया और उनको भी रिमूव करना शुरू हो गया तो दैट इज़ एक्सटेंडेड रेडिकल अच्छा फिर आ जाता है कि अब हम कौन सी कहाँ अप्लाई करेंगे अगर हमारे पास ये हम बात कर रहे हैं लाइक से टंग कैंसर की बात करें ओरल कैविटी कैंसर की बात करें तो अगर हमारे पास एन ज़ीरो है या एन वन है तो इन दोनों केसेस में हम सिलेक्टिव नेक डिसेक्शन करेंगे वो हमारे पास टाइप वन भी हो सकती है टाइप टू भी हो सकती है टाइप थ्री भी हो सकती है टाइप थ्री का दूसरा नाम कहता है फंक्शनल अगर हमारे पास एन टू ए या एन टू बी है तो एन टू को मतलब हमने डिवाइड किया ए बी को एक में रखे सी को एक में ए बी के लिए हम करते हैं रेडिकल या मॉडिफाइड रेडिकल या मॉडिफाइड ठीक है सॉरी सर मैं गलत कर दिया जो एन ज़ीरो एन वन में सिलेक्टिव है सिलेक्टिव वन टू थ्री नहीं होता सिलेक्टिव होता है सुप्रा ओमोहायोइड एक्सटेंडेड सुप्रा ओमोहायोइड या सेंट्रल तो हम ये चूज़ करेंगे एन टू एन बी में हम रेडिकल मॉडिफाइड करेंगे मॉडिफाइड में टाइप वन टू थ्री हम